नमस्ते, मैं भारती। मेरे भारत के किचन में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं गुजरात की फेमस खांडवी। तो आइए ये रेसिपी को हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस खांडवी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे कोई भी बना सकता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आज जो खांडवी की रेसिपी है बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी ताकि सबकी खांडवी की रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। तो आइए देखते हैं खांडवी बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। खांडवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, जो नॉर्मली सबके घर में होता है वही वाला। आधा कप यहाँ पे मैंने दही ले ली है। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के ले लिया है। 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। तो चलिए खांडवी बनाना शुरू करते हैं। खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 बाउल ले लिया है। अब इसमें 1/2 कप जितनी दही डाल देंगे। दही यहाँ पर मैंने डाल दी है। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट भी डाल देंगे। सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लेंगे विस्कर की सहायता से ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। दही को फेंटने के बाद 3 कप जितना इसमें पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मल कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो सबके घर में होता है वही वाला। अब इसमें 1/3 कप भी पानी का डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैंने दही में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे और इसे विस्कर की सहायता से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। खांडवी के बैटर को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खांडवी का मिश्रण बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। जैसे बटर मिल्क होता है इसकी कंसिस्टेंसी भी आपको इस तरह से ही रखनी है। तो चलिए अब हम खांडवी बनाना शुरू करते हैं। अब खांडवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस में पैन रख दिया है। अब जो हमने खांडवी का मिश्रण बनाया था वो पैन में डाल देंगे। मिश्रण यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब गैस को ऑन कर लेंगे। आपको इस बात का ध्यान देना है जब आप खांडवी का बैटर पैन में डालें तो आपको गैस ऑन नहीं करना है। पैन गर्म होने से आपका खांडवी का मिश्रण जल भी सकता है और आपकी खांडवी खराब भी हो सकती है। अब गैस को ऑन कर लिया है। अब खांडवी को गाढ़ा होने तक अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। अब बैटर जब तक हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मिश्रण गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जब आप मिश्रण फेंट रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है, नहीं तो आपका मिश्रण नीचे से लग जाएगा और आपका मिश्रण जल भी सकता है। यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं बैटर परफेक्ट तरीके से गाढ़ा हो चुका है। और आपको कैसे पता करना है कि हमारा बैटर खांडवी के लिए बनकर तैयार है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैटर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा बैटर गिर रहा है। तो यहाँ पे हमारा बैटर परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे और खांडवी बना लेंगे। अब खांडवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेट को पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके रख दिया था। अब जो हमने खांडवी का मिश्रण बनाया है उसको इस तरह से डाल देंगे। अब इस मिश्रण को इस तरह से फैला लेंगे। एक थाली पर यहाँ पे मैंने मिश्रण लगा लिया है। अब दूसरी भी थाली में इस तरह से ही लगा लेंगे।
मांडवी को यहाँ पर मैंने प्लेट में अच्छे से लगा लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने देंगे। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और हमारी खांडवी देखिए अच्छे से सूख चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। खांडवी को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब इसे हम रोल कर लेंगे देखिए इस तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एक खांडवी यहाँ पर अच्छे से बनकर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में रख देंगे। हमने यहाँ पर सारी खांडवी प्लेट में निकाल ली है, तो चलिए इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटी वाली कढ़ाई ले ली है। अब इसमें ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच जितना। सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल यहाँ पर हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच जितनी राई डाल देंगे। सबसे पहले राई को अच्छे से चटकने देंगे। राई यहाँ पर हमारी अच्छे से चटक चुकी है। अब इसमें 10 से 12 करी पत्ते भी डाल देंगे। 3 साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब तड़के को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है। अब गैस को ऑफ कर लेंगे। अब सबसे पहले खांडवी के ऊपर थोड़ा सा नारियल का चूरा डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो हमने तड़का बनाया था वो डाल देंगे। खांडवी के ऊपर यहाँ पर मैंने तड़का अच्छे से लगा लिया है और हमारी गुजराती स्पेशल खांडवी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये खांडवी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो भारत भारती किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।